कैसे हो सभी? शिशु वाटिका में 12 व्यवस्थाएं, उनमें से एक व्यवस्था है तरंग ताल। तरंग ताल जैसे कि एक टप लिया और उसमें पानी डाला, ये आसानी से घर पे भी मिल जाता है। स्विमिंग पूल भी, जैसे आप मार्केट में जाते हैं कहीं स्विमिंग पूल भी होता है, तो इसमें आज मैं आपको नाव बनाना बताती हूँ। पहले नाव बनाएंगे, फिर वो पानी में कैसे तैरती है वो दिखाएंगे। देखिए, जैसे कि ये कागज लिया, कागज कैसा भी ले सकते हैं, रंगीन भी ले सकते हैं, व्हाइट भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास उपलब्ध है वैसा ले सकते हैं। ये देखो, ये कागज है तो हम इसको फोल्ड करेंगे। इसे फोल्ड कर लिया, ये देखो, इधर तो है बंद साइड और ये है इधर खुला साइड, है ना। ये बंद साइड से हम इसको एक तरफ इधर मोड़ेंगे ऐसे, और इस तरफ इसको मोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे किया, अब ये बंद, इधर से खुला साइड है, दो है इधर देखो पेज, एक इस साइड मोड़ लेंगे, एक को पीछे साइड में मोड़ लेंगे। मोड़ लिया, ये भैया को घर पे ही बताना है, अभिभावक खुद बताएंगे उसको कैसे नाव बनाते हैं, कागज उसको फाड़ के देना है। फिर देखो, जैसे ये है तो हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, मोड़ दिया, ये मोड़ लिया, ये देखो दोनों तरफ से ऐसे मुड़ गया। अब क्या करेंगे, जो खुली साइड है उससे हम इसको पीछे ले जाएंगे, फिर इसको उसे मोड़ देंगे इधर से भी, और अब वापस इसको उल्टा करके अब इसको भी इधर से हम मोड़ देंगे। मोड़ दिया, ये ऐसा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, कर लिया, ये देखो दोनों तरफ से एक जैसे हैं ऐसे। अब हम इसको खोल देंगे, ऐसे खोलेंगे ना, तो फिर इसको अच्छे से ऐसे करके ये क्या बन गई, ये एक नाव बन गई। किसकी नाव बन गई? कागज की। तो भैया को भी हम घर पे ये कागज की नाव बनाना सिखा सकते हैं। फिर हम इसको जैसे कि टप लिया, उसमें पानी डाला, पानी डाला, और पानी के अंदर हम इस नाव को डालेंगे। ये क्या, किसकी बनाई हमने नाव? कागज की। कागज की नाव बनाई है ना, ये बहुत ही, बच्चा बहुत ही खुश होगा उसको देख के कि कागज की नाव है, कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। वो खुद बनाएगा अपने हाथों से, एक दो बार आप उसको बताएं फिर वो अपने आप बनाना सीख जाएगा। ये है नाव, कागज की नाव है। तो हम नाव की एक पोयम बुलाते हैं, नाव चली भाई नाव चली, सर 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 नाव चली, हम बैठे तुम बैठे, हम बैठे तुम बैठे, बैठा ये जग सारा, रिमझिम रिमझिम पानी बरसा, रिमझिम रिमझिम पानी बरसा, बरसा के घर जाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, हम खाए तुम खाओ, हम खाए तुम खाओ, खाए ये जग सारा, रिमझिम रिमझिम पानी बरसा, ठीक है। तो ये सभी अभिभावक महोदय से निवेदन है कि वो घर पे ही बच्चे को आसानी से कागज लेके और टप में पानी डाल के उसको बता सकते हैं कि ये कागज की नाव है, कहाँ पे तैरती है, तो वो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो अच्छे से करेगा वो, ठीक है। अब हम थोड़ी सी स्वर ज्ञान कर लेते हैं, मैं पहचान पूछूंगी बीच बीच में से, ठीक है। ये देखिए, ये है अनार, अनार का अ, क्या है अनार का अ है ये देखिए, आम, आम का आ, आम का क्या है ये आ, पहले चित्र दिखाना है, ये कौन सा चित्र है बच्चे को, कौन सा चित्र है, आम, आम का चित्र है, आम का आ कैसा होता है, ऐसा होता है आ, तो वो फटाफट उसको पहचान लेगा, ठीक है। फिर देखिए, ये किसका चित्र है, इमली, इमली का ई कैसा होता है, ऐसा, इमली, इमली का ई, खाने में कैसी होती है, खट्टी। ये देखो, ये है इख, इख, इख यानी जैसे गन्ना होता है ना मीठा, अपन जूस भी पीते हैं, वो है ये इख, इख का ई, इख का क्या ये ई। ये देखिए, ये है उल्लू, उल्लू क्या है ये, उल्लू, उल्लू का ऊ, ऊ से उल्लू होता है ना। ये देखिए, ये है ऊन, ऊन का ऊ, क्या ये ऊन, ऊन का ऊ, बड़ा ऊ है ना ये ऊन। ये देखिए, ये कौन है, ऋषि बाबा, ऋषि बाबा है, ऋषि बाबा का री कैसा होता है, ये ऋषि बाबा।
ये देखो एडी, ये एडी है ना, एडी का ए कैसा होता है ऐसा, पहले उसको चित्र दिखाना है, वो चित्र पहचान लेगा एडी, एडी का ए। ये है आई, आई से ऐनक होता है, ऐनक, ऐनक का आई, ऐनक का आई। ये है ओखली, ओखली का ओ, ओखली का ओ। ये है औरत, औरत का औरत, औ। ये है अंगूर, अंगूर का चित्र है ना अंगूर, और ये है अंग, अंगूर का अंग। और ये है अह, ये भी अह, अह खाली होता है अह। ठीक है, ये मैंने आपको पहचान करवाई, भैया बहन को घर पे ही करवाना है अच्छे से, और उसको तरंग ताल के बारे में बताना है। ठीक है, धन्यवाद।